कोई भी चाहे काउंसलर हो चाहे विधायक हो, दोनों लोगों के पास हमारी पूरी आरडब्ल्यूए जाकर थक गई है। विधायक जो है काउंसलर पर टालता है, काउंसलर जो है विधायक पर टालता है। उसमें विधायक जी ने ये बोला था कि मेरा काउंसलर नहीं जीता तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। पार्टी अलग अलग हो सकती है लेकिन समस्या वही सांसद निगम पार्षद की है, वही विधायक की भी है, क्योंकि दोनों प्रतिनिधि हमारे यहाँ क्षेत्र के चुने हुए हैं। ठीक है, ये विधायक जी ने भी सोचना चाहिए और निगम पार्षद ने भी अपने प्रयास करने चाहिए दोनों ने मिलकर। तो उसके लिए मैं आपसे दोनों पत्रकारों से एक निवेदन करता हूँ कि माननीय विधायक जी को और निगम पार्षद को एक प्लेटफॉर्म पर लाके और अधिकारियों के लाकर आपके माध्यम से इसका समाधान करवाइए, मेरी यही आपसे विनती है। और एक भी प्रतिनिधि काम निगम पार्षद का नहीं है, केवल और केवल विधायक का, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही बात आती है कि वो बोलती है कि उनके एक्शन का ये हम नहीं करेंगे कुछ, कॉलोनी का रोड और नाला ऊंचा होगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा। राजधानी दिल्ली की मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले छावला वार्ड में हालात किस कदर बेहाल हैं यह बानगी देखिए। सड़कों पर लबालब भरा हुआ पानी और साथ में गलियों में लहराता हुआ सीवर का बदबूदार पानी, यह बानगी है विधायक और स्थानीय निगम पार्षद के कामकाज की, क्योंकि जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है और जनता यहां नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि दुर्गा विहार के इस इलाके में कई महीनों से पानी जमा है और यह पानी सीवर और नालियों के जाम की वजह से है और इसी पानी के साथ स्थानीय लोगों को किस कदर नारकीय जीवन जीते हुए गुजारा करना पड़ रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, विधायक को चुनना न चुनना भी यह समस्या नहीं है, हमारे बीच जो जटिल समस्या है कि यहाँ पानी लगभग 3 महीने 4 महीने से लगा हुआ है। आए दिन देखिए, ये बच्चा है, आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको 4 टाका लगा है। ये स्कूल केंद्रीय विद्यालय छावला में पढ़ता है, 4 टाका लगा हुआ है, पढ़ने जा रहा है। कोई भी चाहे काउंसलर हो चाहे विधायक हो, दोनों लोगों के पास हमारी पूरी आरडब्ल्यूए जाकर थक गई है। विधायक जो है काउंसलर पर टालता है, काउंसलर जो है विधायक पर टालता है। देखो, निगम पार्षद से हमारे को पूरी उम्मीद है लेकिन समस्याएं हमारी कुछ विधायक के द्वारा भी की गई हुई हैं, क्योंकि विधायक जी ने जब इलेक्शन चल रहा था तो उसी दौरान यहाँ पर एक मीटिंग थी, सब आ गई थी, उसमें विधायक जी ने ये बोला था कि मेरा काउंसलर नहीं जीता तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। ठीक है, और ये एक आदमी के सामने कम से कम हजारों आदमी आते। ठीक है, अब 5 दिन 10 दिन पहले विधायक जी फिर आए, ठीक है, पानी में चल के दिखा दिया, लेकिन समस्या हमारी वो कि वो फिर भी पानी ऐसे ही कहती है। मैं ये करूँ, बिल्कुल आपकी बात जायज है मिश्रा जी, लेकिन हम वही चीज़ कह रहे हैं कि निगम पार्षद और सांसद, पार्टी अलग अलग हो सकती है लेकिन समस्या वही सांसद निगम पार्षद की है, वही विधायक की भी है, क्योंकि दोनों प्रतिनिधि हमारे यहाँ क्षेत्र के चुने हुए हैं। ठीक है, ये विधायक जी ने भी सोचना चाहिए और निगम पार्षद ने भी अपने प्रयास करने चाहिए दोनों ने मिलकर, जनता के बीच में बैठ के। वहीं कल जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया तब उन्होंने अपने स्थानीय निगम पार्षद शशि यादव को याद किया। शशि यादव के साथ ही इसी वार्ड से पूर्व निगम पार्षद और उपमहापौर रहे पवन शर्मा भी पहुंचे। पवन शर्मा और शशि यादव ने लोगों को जल्द ही समस्या के निस्तारण का आश्वासन थमा दिया, लेकिन लोगों की माने तो यह समस्या काफी पुरानी है, विधायक और निगम पार्षद को मिलकर इसे जल्द ही ठीक करना चाहिए। वहीं स्थानीय निगम पार्षद और पूर्व निगम पार्षद रहे पवन शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया कि बेहद जल्दी ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा और वर्तमान समस्या स्थानीय विधायक गुलाब सिंह की खराब कार्यशैली की वजह से पैदा हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, लेकिन जनता को भी ये तो सबको पता है कि किस जनप्रतिनिधि का क्या काम है। अब ये सारा ब्लॉक इस पर पानी के ऊपर निकासी नहीं है निगम पार्षद को। अब मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, मैं यहाँ के विधायक से भी निवेदन करता हूँ कि मेयर साहिबा का एक बार दौरा करवा लीजिए, वो अधिकारियों को लेके आ जाएगी, मेयर साहब ये कह देंगे एमसीडी का काम है प्रॉपर निकासी करके देना और दिलवाओ दो बजट,
या उनके ककरोला वार्ड में उन्हीं का पार्षद है और उन्हीं का विधायक है उसी पार्टी की। आप जब पार्टी की बात कर रहे हो, मैं ककरोला वार्ड की कर रहा हूँ। आप ककरोला वार्ड की स्थिति जाके देख लीजिए, वहाँ तो दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन विधायक की मनोस्थिति नहीं है काम करने की, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करना है। तो उसके लिए मैं आपसे दोनों पत्रकारों से एक निवेदन करता हूँ कि माननीय विधायक जी को और निगम पार्षद को एक प्लेटफॉर्म पर लाके और अधिकारियों के लाकर आपके माध्यम से इसका समाधान करवाइए, मेरी यही आपसे विनती है। दिल्ली में इससे बड़ी दुर्गति कहीं भी नहीं होगी। आपने देखा कि महीनों के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जब MCD में आई और कई महीनों तक मार पिटाई चलती रही, जब पहली बार सदन चला तो ये विषम परिस्थिति की बात खुद सदन में उठी और ये उठाई गई, क्योंकि 16,000 लोग किस प्रकार से एक दयनीय और नरकीय जीवन जी रहे हैं कि नहीं, उनके घर जाके बैठ के बात भी कर चुके हैं और वो इस चीज़ को नकार नहीं सकते। उनके PWD डिपार्टमेंट से भी बात कर चुके हैं, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी बात कर चुके हैं, DM से भी बात करिए, SDM से भी बात करिए, DC से, जिस जो हमारे विभाग नहीं है ना, जिस स्तर पर हो सकता है। PWD डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही बात आती है कि वो बोलती है कि हम नहीं करेंगे कुछ, ये आप नोट कर लेना उनके एक्शन का, ये हम नहीं करेंगे कुछ, कॉलोनी का रोड और नाला ऊंचा होगा तभी इसका सोल्यूशन होगा, और रोड और नाला ऊंचा करने के लिए विधायक जी ने कहा हम पुलिस लेके आएंगे तब करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब मेन रोड ऊपर किया तो उसमें किसी से ना पूछा गया ना कुछ, उसके कारण कॉलोनी नीचे होगी। ठीक है जी, तो उनसे बात भी करिए, ऐसा नहीं है, जितना सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा सकती थी अपनी तरफ से उतना प्रयास किया गया, और उसके बाद भी जनता के बीच में जितनी बार गए हमने तो RW को कहा है कि बुलाओ, मैं तैयार हूँ, जिस दिन विधायक आएगा आप मुझे बुलाओ तो सही, उस समय मैं उसके साथ मंच पे बैठने को तैयार हूँ, और साझा करके जो जॉइंट ऑपरेशन है, जब विधायक नहीं देता साथ तो DM के पास जाना पड़ा कि भाई आप जॉइंट ऑपरेशन करो, और अपनी दुर्गा विहार की RWS गई हैं, तो चीज़ें गई हैं, और जो सामंजस्य कोशिश की जा सकती है, जितना हमारे हाथ में प्रयास है उतना किया जा रहा है। अभी तक फाइनेंस कमेटी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, दिल्ली का तो सत्यानाश हो रखा है पूरी, आप चारों तरफ देख लीजिए, और एक भी प्रतिशत ये काम निगम पार्षद का नहीं है, केवल और केवल विधायक का, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। आपने कहा पूरी दिल्ली में बाढ़ का पानी निकाल सकते हैं, तो दुर्गा विहार में पानी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं जनाब? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है ना। नहीं तो MCD में आप ही है ना सर, आपके ऊपर भी तो ये सवाल उठेगा ना। सरकार उनकी है, LG साहब ने अपने ऊपर उस बाढ़ की जिम्मेदारी को लिया था, जब दिल्ली में बाढ़ आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, केंद्र ने लिया, तब जाके निकला। दिल्ली की सरकार तो चाहती है दिल्ली डूबे। अब देखना यह होगा कि इसी दुर्गा विहार इलाके में कुछ रोज पूर्व विधायक मटियाला गुलाब सिंह भी दौरा कर चुके हैं, और उनकी माने तो इस समस्या का निस्तारण जल्द ही किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद की माने तो यह समस्या स्थानीय विधायक और उनके साझा प्रयास से ही हल हो सकती है। हालांकि इस समस्या के लिए जिम्मेवार स्थानीय विधायक गुलाब सिंह यादव हैं, और निगम पार्षद के अलग अलग पार्टियों के होने की वजह से जनता को आज नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।